ग्वालियर के कलेक्टर सभागार में रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को कुछ और छूट देने पर विचार विमर्श किया गया है। सभी लोगों से सुझाव लेने के बाद सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कुछ और छूट दिए जाने का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बाजार की गतिविधियों को शाम 5 के स्थान पर रात 8 बजे तक बढ़ाए जाने के अलावा मॉल, जिम तथा रेस्टोरेंट खोलने का भी प्रस्ताव शामिल है। एक बार में 50% से ज़्यादा लोग इन गतिविधियों में शामिल नहीं हों, इन बातों का ध्यान रखे जाने का आश्वासन भी दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि राज्य शासन को आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों के सुझाव भेज दिए गए हैं। अब शासन की गाइडलाइन के हिसाब से आगे की बैठक में छूट दिए जाने पर विचार किया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने माना है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस घटने के साथ ही कुछ नए प्रावधान को भी छूट दी जाएगी और उनकी समय सीमा भी बढ़ाई जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता लागू रहेगी और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजार में भीड़ बढ़ने की भी शिकायत मिल रही है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और राजस्व पुलिस तथा स्वास्थ्य अमले को अलग अलग स्थानों पर नियमित चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं एवं गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से पालन किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही कहा कि यदि हम कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचना चाहते हैं तो हमें कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। नहीं, आज क्राइसिस मैनेजमेंट में सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को विभिन्न प्रकार के दिए गए हैं। माननीय सांसद जी ने सभी लोगों की तरफ से सुझाव दिए हैं और अब शासन से गाइडलाइन आएगी, उसके बाद हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करके आगे की निर्णय लेंगे। क्या लग रहा है, कुछ और राहत दी जाएगी? नहीं, एकदम राहत दी जाएगी और धीरे धीरे गतिविधियां सामान्य हो जाएंगी पूरी तरीके से, परंतु लोगों को सावधानी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग पे जोर देना होगा, कोविड अप्रोप्रिएट पे। अभी देखा गया भाड़े पर भी, कई स्थानों देखा अभी भी भीड़ भाड़ के। नहीं, हम लोग उसके लिए कार्रवाई लगातार सतत कर रहे हैं और इसको हम और बढ़ाएंगे। लोगों में तीसरी लहर काफ़ी भय है सर, तो इसके लिए सभी लोगों को साथ देना होगा, पर्याप्त सावधानी बरतेंगे तो तीसरी लहर नहीं आएगी।